नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSE विद HSM में। जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा शास्त्री एवं आचार्य सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2022 से 2023 ऑनलाइन आवेदन PSST एवं PSSSD पाठ्यक्रम प्रवेश क्रमकांड पौरोहित्य परीक्षा 2023 आवेदन पत्र एवं परीक्षा फॉर्म 2023 में त्रुटि सुधार के संदर्भ में विभिन्न अपडेट्स जारी किए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी अपडेट्स के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज सेक्शन के अंतर्गत एक्सटेंड डेट फॉर PSST एंड PSSSD रिपोर्टिंग, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके निम्न प्रकार देखा जा सकता है। शिक्षा शास्त्री 2 वर्षीय एवं शास्त्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2022 से 2023 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग आयोजन कार्यक्रम में अभिवृद्धि की सूचना। शिक्षा शास्त्री 2 वर्षीय शास्त्री शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम 4 वर्षीय सत्र 2022 से 2023 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन द्वितीय काउंसलिंग के माध्यम से आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं पाठ्यक्रम शुल्क जमा कराने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 27 फरवरी 2023 में अभिवृद्धि करते हुए निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाता है। पाठ्यक्रम शुल्क 21,930, आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग एवं शुल्क जमा कराने की दिनांक 21 फरवरी 2023 से 4 मार्च 2023, अर्थात 4 मार्च 2023 तक हम आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करा सकते हैं एवं शुल्क जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन एवं ऑफलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म के संदर्भ में। शास्त्री फर्स्ट सेमेस्टर एंड आचार्य फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्म, दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर एवं आचार्य प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर परीक्षा 2022 से 2023 के आवेदन पत्र भरवाए जाने हैं। उक्त आवेदन पत्रों हेतु दिनांक एवं परीक्षा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है। शास्त्री प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में 1200 प्लस 200 नामांकन, ₹200 नामांकन के होंगे। आचार्य प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर ₹1400। ऑनलाइन आवेदन 24 फरवरी 2023 से प्रारंभ हो चुका है। अंतिम तिथि 3/3/2023 निर्धारित की गई है। ₹100 विलंब शुल्क के साथ में 4 मार्च 2023 से लेकर 10 मार्च 2023 तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरवाकर छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, शुल्क का विवरण में चालान अल्फाबेट में परीक्षा विभाग 14 मार्च 2023 तक भिजवाने का श्रम करें। विश्वविद्यालय द्वारा संख्यावार आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्थाओं को समाप्त कर समस्त संकायों के एक ही प्रकार के आवेदन पत्र भरवाए जाने हैं। तो यहाँ पर आवेदन पत्र दिया गया है, कैटेगरी दी गई है, इस आवेदन पत्र को हमें फिल करना है, इसका प्रिंट लेकर शास्त्री BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2022 से 2023। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। एग्जाम फॉर्म एंड इंस्ट्रक्शन फॉर क्रमकांड एंड पौरोहित्य डिप्लोमा 2023।
करेंगे। कर्मकांड पौरोहित्य परीक्षा 2023 के परीक्षा आवेदन पत्र निम्न प्रकार से भरवाए जा रहे हैं। परीक्षा आवेदन पत्र बिना विलंब शुल्क के 22 फरवरी 2023 से लेकर 28 फरवरी 2023 और ₹100 विलंब शुल्क के साथ में 1/3/2023 से 9/3/2023 तक भरवाए जा रहे हैं। यहाँ पर खाली परीक्षा आवेदन पत्र मूल्य ₹100 है। परीक्षा फीस ₹2450 है। परीक्षा फीस पूर्व छात्र के लिए ₹2300, अंकतालिका शुल्क ₹50, नामांकन शुल्क नियमित छात्र के लिए ₹400। तो यहाँ आवेदन पत्र दिया गया है। अब बात करेंगे हम नेक नोटिफिकेशन के बारे में। एग्जाम फॉर्म 2023 अपडेट एग्जाम फॉर्म 2023 यह नोटिफिकेशन दिया गया है। शास्त्री फर्स्ट आचार्य फर्स्ट मस एग्जाम फॉर्म फिलिंग 2023 अपडेट के संदर्भ में हम जानकारी यहां ले लेते हैं। जिन विद्यार्थियों के फॉर्म फिल करते समय नेम फादर नेम मदर नेम में कोई भी त्रुटि हो वे सभी अपडेट एग्जाम फॉर्म 2023 लिंक में सुधार करके कर सकते हैं। यहां पर लिंक दिया गया है अपडेट एग्जाम फॉर्म 2023। इसके माध्यम से हम नाम में संशोधन कर सकते हैं, फादर नेम मदर नेम में संशोधन कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त अगर कोई करेक्शन है तो अपने फॉर्म की डिटेल सहित ईमेल आईडी यहां दी गई है, इस ईमेल आईडी पर हम संपर्क कर सकते हैं। क्लास और सब्जेक्ट करेक्शन के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करना होगा। यदि क्लास में कोई दिक्कत भरते समय कोई प्रॉब्लम आ गई हो या सब्जेक्ट गलत भर दिया गया हो तो इसका करेक्शन केवल विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया जाएगा। नेम में फादर नेम में मदर नेम में हम अपडेट कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से जो यहाँ दिया गया है। इसके अलावा जो करेक्शन हम ईमेल आईडी के द्वारा यहाँ दिया गया इसके माध्यम से भी हम करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें अपडेट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करके हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं। यह एग्जाम फॉर्म 2023 का लिंक दिया गया है और इसी के साथ में यहाँ पर लास्ट डेट फॉर एग्जाम फॉर्म यानी साम नॉर्मल जो फीस होगी उसके साथ में 3/2/2023 तक बढ़ा दी गई, यानी 2 मार्च 2023 तक हम जो सामान्य जो फीस है उसके साथ में आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। दी गई लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। ऑनलाइन वार्षिक पद्धति परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने संबंधी सूचना। विश्वविद्यालय की शास्त्री प्रथम वर्ष आचार्य प्रथम वर्ष मुख्य परीक्षा 2022-2023 में प्रविष्ट नियमित एवं स्वयं पाठी परीक्षार्थियों से ऑनलाइन द्वारा वेबसाइट यहाँ दी गई है के माध्यम से हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेमेस्टर पद्धति में प्रविष्ट विद्यार्थी आवेदन नहीं करे तो सेमेस्टर के लिए अलग से जो फॉर्म है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर डेट हम देख सकते हैं, ये जो बिना विलंब की जो डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी डेट को यहाँ पर बढ़ाया गया है। यहाँ हम इसके संदर्भ में यहाँ जानकारी ले सकते हैं, 2/3/2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ करेक्शन है और ₹100 विलंब शुल्क के साथ में 10 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है यहाँ दिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार भरना है। यहाँ पर बैंक का चयन है, आधार कार्ड नंबर प्रत्येक विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र प्रविष्ट करना होगा। परीक्षा शुल्क है तो यहाँ पर इंडियन बैंक व भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से हम जो फीस है जमा करा सकते हैं।
बैंक द्वारा प्राप्त चालान जिसमें परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, मूल प्रति विश्वविद्यालय कार्यालय प्रति को परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ संलग्न करें। अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित शुल्क जमा कराने की तिथि में अगले 2 कार्य दिवस तक, यह स्पष्ट किया गया है। फॉर्म भरने के 2 दिवस तक नियमित व पूर्व परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय में जो फॉर्म है जमा कराएंगे, और जो स्वयं पाठी अभ्यर्थी हैं महाविद्यालय की संलग्न सूची के अनुसार निकटतम महाविद्यालय जो कि संबंधित परीक्षा स्तर का है जमा करावे। तो यहाँ पर सूची दी गई है जो स्वयं पाठी विद्यार्थी हैं जमा करा सकते हैं। फीस की बात करेंगे तो यहाँ शास्त्री प्रथम वर्ष नियमित के लिए 1490 रुपये है, स्वयं पाठी के 2090 रुपये, आचार्य प्रथम वर्ष के लिए 1540 रुपये नियमित, 2350 रुपये स्वयं पाठी। नामांकन शुल्क यहाँ पर जो 200 रुपये है यहाँ निर्धारित किया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं, परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में महाविद्यालय चयन कक्षा, परीक्षार्थी का, परीक्षार्थी पिता माता का नाम, विषय इत्यादि समस्त प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक करें। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा होने के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संशोधन हेतु विश्वविद्यालय अनुसार शुल्क दे होगा, इसका भी ध्यान रखना होगा। हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिए गए हैं, इन पर हम और अधिक जानकारी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ बैंक खाता संख्या और खाते का प्रकार दिया गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट पेपर कोड दिया गया है, लिस्ट दी गई है सभी सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। परीक्षा आवेदन हेतु पात्रता के संदर्भ में जानकारी दी गई है, इसका अवलोकन हम यहाँ कर सकते हैं। इसी तरह से आचार्य के लिए है सब्जेक्ट कौन कौन से, उनके कोड कौन कौन से हैं। योग्यता के संदर्भ में यहाँ जानकारी दी गई है। स्वयं पाठी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ लिस्ट दी गई है कॉलेज की। स्वयं पाठी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म जमा कराने हेतु महाविद्यालयों की सूची, तो अपना जो निकटतम जो महाविद्यालय है वहाँ पर है अपना जो आवेदन पत्र है आप जमा करा सकते हैं। केवल स्वयं पाठी जो विद्यार्थी वो जमा कराएंगे, और जो नियमित विद्यार्थी वो अपने विद्यालय में ही महाविद्यालय में है अपनी जो परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी है चालान है वो जमा कराएंगे। यहाँ पर निर्देश दिए गए 1 और 2, तो इनका भी हमें ध्यान रखना है। केवल बालिकाओं के लिए और छात्राओं के लिए अलग अलग जो महाविद्यालय हैं इनकी भी यहाँ सूची जारी की गई है। तो इस तरह से जो डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया है इसका अवलोकन हम कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्शन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो अपडेट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने एंटर एग्जाम फॉर्म, एंटर मोबाइल नंबर, एंटर मदर नेम फिल करेंगे और अपडेट फॉर्म पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म 2023 दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी का चयन करेंगे जिसमें रेगुलर, नॉन कॉलेजर और एक्स स्टूडेंट। यहाँ पर हमें रेगुलर पर क्लिक करेंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो रेगुलर पर क्लिक करें, अगर नॉन कॉलेजेट है तो नॉन कॉलेजेट पर क्लिक करें। इसके पश्चात यहाँ पर यूजी पीजी को हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ आर्ट्स है, यहाँ आर्ट्स जैसे क्लिकेंगे बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023 बैंक सेलेक्ट करेंगे, एसबीआई या इंडियन बैंक। इसके पश्चात यहाँ पर जो लिंक दिया गया है, जिन छात्रों के आवेदन पत्र का रोल नंबर लिखने पर नहीं खुल रहा है यहाँ पर फ्रेश फील जो है फ्रेश फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म 2023 इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर इसका विशेष रूप से आप जांच कर लें, शास्त्री बीए पार्ट फर्स्ट एग्जाम 2023। इसके पश्चात अपना नाम लिखना है, जो व्यक्ति का जो डिटेल है पर्सनल डिटेल वो देनी है। इसके पश्चात यहाँ पर मीडियम दे रखा है, मीडियम का आप सेलेक्ट करें, संस्कृत है। जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं मेल का। यहाँ कैटेगरी आप सेलेक्ट करें, एससी एसटी जो भी कैटेगरी है, ओबीसी जनरल माइनॉरिटी। इसके पश्चात यहाँ पर हैंडीकैप्ड, फिजिकल हैंडीकैप्ड की स्थिति में यस, अन्यथा नो। DOB सेलेक्ट करें, पोस्टल एड्रेस लिखें, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। इसके पश्चात
एंड बोर्ड, और यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट पास्ड कौन कौन से हैं, इसके पश्चात सब्जेक्ट ऑफर्ड हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट को ध्यानपूर्वक यहाँ पर फेल करें। इसमें ग्रुप फर्स्ट दिया गया है, ग्रुप सेकंड दिया गया है, ग्रुप थर्ड दिया गया है, यहाँ से हम जो कॉम्बिनेशन है उसका यहाँ चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात फोटो अपलोड करनी है जिसमें 300 KB तक हम पासपोर्ट साइज़ की जो फोटोग्राफ है अपलोड कर सकते हैं, और 100 KB तक हम जो है सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रोसीड पर क्लिक करके हम फीस आसानी से जमा करा पाएंगे। तो यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, टिक करना है, और सब्जेक्ट का चयन करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट का हम चयन यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आवेदन आसानी से कर पाएंगे। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो यहाँ क्लिक करें, और यहाँ सेमेस्टर है तो आप यहाँ सेमेस्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ पर हम यूजी को लेंगे और यहाँ हम आर्ट्स को। तो इस तरह से यहाँ एरर दिखाया गया है। वेबसाइट में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको ध्यान रखें। आर्ट्स का है तो एग्जाम फॉर 2023। क्लिक करते हैं, इस तरह से जो है ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां से हम फिल करना है, नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें, ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके पश्चात आवेदन करें। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। अगर आपका कोई प्रश्न रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में हम उस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। तो आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।